क्या आपने आटे की इतनी चीज़ी रेसिपी पहले कभी खाई थी? मैंने तो नहीं खाई थी, लेकिन जब मैंने पहली बार बनाई तो सबको काफ़ी पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मेरे घर वालों को पसंद आई है तो आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हर रोज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। आटे की चीज़ी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें गेहूं का आटे की लोई। मैंने इसमें ना ही ईस्ट का इस्तेमाल किया है और ना ही हम ओवन और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल रोटी बनाने का जो आटा आता है वही हमें लेना है और उससे बड़ी रोटी बना लेनी है। रोटी के ऊपर सबसे पहले लगाया था मैंने थोड़ा सा घी और उसके ऊपर एक लेयर बारीक कटा हुआ धनिया की लगाएंगे। उसके बाद यूज़ करेंगे थोड़े मसाले, जैसे ओरेगानो, चिली फ्लेक्स डाला था मैंने। आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हो तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कम कीजिएगा। और ऊपर से डाली थी मैंने थोड़ी मोजरेला चीज़, क्योंकि कभी कभी चीज़ खाना अच्छा होता है। हम बाहर जाके खाते हैं तो उससे तो अच्छा है कि हम घर पे कुछ ऐसा बना के खाएं जो सभी लोगों को काफ़ी पसंद आए। उसके बाद हम एक बड़ी वाली और रोटी लेंगे जो मैंने पहले ही बेल के रखी थी। फिर हमें हल्के हाथों से उसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से चिपकाना है। खाने में इतनी टेस्टी बनती है कि आप बात ही मत पूछो। आपके घर वाले बाहर का खाना भूल ही जाएंगे या फिर बच्चे हो गए तो वो पिज़्ज़ा का नाम तो भूल ही जाएंगे। फिर हमें एक चप्पू की हेल्प से, जिसे मैं कट कर रही हूँ आप वीडियो में देख लीजिए, ऐसे हमें एक स्लाइस के रूप में कट कर लेना है। नीचे से चिपके नहीं, उसका हमें ध्यान रखना है। नीचे वाली रोटी के नीचे आप थोड़ा सा आटा बनाते वक्त तो थोड़ा ज़्यादा डालना, ताकि जब हम कट करें तब हमारी रोटी अच्छे से कट हो जाए और वो एक दूसरे में चिपके नहीं। फिर हमें सभी रोटी की स्लाइस को एक राउंड शेप में ले लेना है और हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके हमें थोड़ा सा बेलना है। बड़ी वाली रोटी जितना नहीं बनाना है। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने कितना राउंड शेप दिया था। थोड़ा सा बड़ा हमें रखना है ताकि उसका लेयर अच्छे से दिखे। तो हमारा पिज्ज़ा जैसा पराठा बन के तैयार होने ही वाला है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर दीजिए। तो अब लेना है एक पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के दोनों साइड अच्छे से कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। जब तक भी वो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन न हो जाए तब तक आपको कुक करना है। और हमारे चीज़ी पराठे की लेयर बड़ी है तो उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसे खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो लीजिए, हमारा चीज़ी पराठा बनके तैयार है। दिखने में कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। अब बारी है उसकी टेस्ट की, तो आप देखना ये दोनों साइड से इतना क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन है। अब बारी आती है उसके टेस्ट की, तो मेरी तरफ से 10 out of 10 है। आप देख सकते हो पराठे में कितने मल्टी लेयर से और साथ में एकदम सो चीज़ी वाला चीज़ पुल भी। तो है ना बढ़िया सी सिंपल आटे की रेसिपी। इसके लिए ना ही आपको ईस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही ओवन का। सिर्फ आटे से आप सिंपल तवे में थोड़ा सा चीज़ डाल के बढ़िया सा खाना तैयार कर सकते हो, जो सभी को काफ़ी पसंद आएगा और पिज़्ज़ा जैसा भी लगेगा। और अभी भी मैं आपको इसे तोड़ के बता रही हूँ, तब भी ये इतना गर्म है कि मैं आपको एक बाइट लेके भी नहीं बता पा रही हूँ कि कितना टेस्टी बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, बाय बाय, टाटा।